हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। भारतीय जनता पार्टी सोजत मंडल की कार्य समिति की बैठक शनिवार को सोजत मंडल अध्यक्ष नरपत राज सोलंकी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सोजत विधायक शोभा चौहान ने कांग्रेस की भ्रष्ट व नाकारा वादा खिलाफी तथा किसान विरोधी सरकार की नाकामियों को गिनाया और कहा कि आने वाले समय में जनता कांग्रेस सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकेगी। बैठक में जिला महामंत्री मोहन जाट ने संगठन को मजबूती के साथ किस प्रकार खड़ा करना है इसके ओर ध्यान आकर्षण करवाया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूती के साथ चलाने के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है और सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए संगठन के ऊपर के पदाधिकारी को भी सक्रिय रहना होगा, तभी संगठन की अंतिम इकाई बूथ स्तर पर सक्रियता रहेगी। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सोजत विधानसभा प्रभारी, सोजत मंडल प्रभारी व जिला महामंत्री सुनील भंडारी ने कहा कि इस पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई नेक महान विभूतियों ने अपना जीवन अर्पण किया, तब आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने 70 वर्ष एक ही सरकार को झेला है, जिसने इन 70 वर्षों में देश को लूटा, खसोटा, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर धोखा दिया है, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बजाय उन्हें आत्महत्या की ओर धकेला, देश को सोने की चिड़िया से विकासशील और विकासशील से गरीब देश बनकर रह गया है। अब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक तपस्वी मिला है जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगा। हम सभी को उनके हाथ मजबूत करने हैं। संगठन के जिला उपाध्यक्ष के नाते पंकज त्रिवेदी ने संगठन की रीति नीति के बारे में बताया और कहा कि कार्यकर्ता अपने स्वयं की इच्छा से संगठन में आता है और उनके मन में संगठन का काम करने का जज्बा रहता है। वही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जुगल किशोर निकुम ने सेवा ही संगठन के तहत कोरोना काल में सोजत में नगर पालिका द्वारा किए गए सेवा कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि सोजत चिकित्सालय में नगर पालिका के अथक प्रयासों से ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू किया गया तथा वो सेवा के लिए ही सदैव तैयार रहेंगे। वही मंच संचालन करते हुए सोजत मंडल महामंत्री हीरालाल कांठेर ने कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के निर्देश अनुसार प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर कुशल मॉनिटरिंग से कार्यकर्ताओं द्वारा इस कोरोना की भयानक महामारी में प्रदेशवासियों की सेवा की तथा इस संक्रमण में देश प्रदेश व जिले तथा सोजत में लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन सभी की याद में 2 मिनट का मौन रखवा कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंडल महामंत्री कमल अखावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंतिम में मंडल उपाध्यक्ष डॉक्टर सोहन मेवाड़ा द्वारा राष्ट्रगान के साथ कार्य समिति की बैठक समापन हुआ। कार्य समिति की बैठक में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा, विकास टाक, मंडल उपाध्यक्ष गुणवंती मेहता, मानकराज चौहान, पदमचंद डांग, मंत्री सुरेंद्र परिहार, गणपत बोराना, मदन गहलोत, सुरताराम देवासी, पार्षद दीपिका शर्मा, राकेश पवार, ललित सोलंकी, कुलदीप भाटी, तरुण सोलंकी, लक्की जोशी, सुनील प्रजापत, मोहम्मद इकबाल, साजिद चमन, राकेश खिंची, मोहम्मद सईद कुरेशी, पासपा सिलावट, हीरालाल आर्य, सोहनलाल मौर्य, धीरज नागोरा, रमेश हीरागर, नारायण माली, भवर सिंह, नरपत सिंह राव, राकेश भटनागर, राकेश देवड़ा, कल्याण नाथ, मांगीलाल माली, महेंद्र टांक, हीरा सिंह, चंदन सिंह, घेवर खिंची, राजेंद्र शर्मा, कालूराम सांकला, जगदीश निकुम, चंपालाल राठौड़ सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के सोजत से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।